इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। कासिम बाजार पश्चिम बंगाल में बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा जिसकी आबादी बामुश्किल 10,000 होगी, जहां एक तरफ ये गुमनामी के कगार पर है। एक समय ऐसा भी था जब कासिम बाजार पूरी दुनिया में मशहूर था। कलकत्ता शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर कासिम बाजार का नाम मुगल अफसर कासिम खान के नाम पर 16वीं शताब्दी में रखा गया था। मुगल साम्राज्य के वक्त सूबे बंगाल सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। ये भी बेहद दिलचस्प बात है कि लंदन में सन 1688 में प्रकाशित अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड में कासिम बाजार का तो जिक्र था, लेकिन कलकत्ता या बैंगलोर का कोई उल्लेख नहीं था। 17वीं शताब्दी में हुगली नदी के वजह से ये व्यापार का केंद्र बना। कासिम बाजार अपने व्यापारी गतिविधियों के लिए इतना प्रसिद्ध हो गया कि देश विदेश से व्यापारी यहां आकर बसने लगे। 17वीं शताब्दी में जब यूरोप में जंग चल रही थी, तब यहीं से एक बड़ी मात्रा में शोरा या गन पाउडर बिहार से बंगाल और फिर वहां से यूरोप ले जाया गया। 19वीं सदी की शुरुआत तक अंग्रेजी दस्तावेज में हुगली नदी को कासिम बाजार नदी कहा जाता था और इसके व्यापारी नेदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क और बेल्जियम के व्यापारियों के साथ व्यापार करने लगे। यहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ा और यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के विभिन्न कोनों तक फैला हुआ था, जहाँ से शोरा, चीनी, चावल, खसखस और सूती कपड़े की सप्लाई होती थी। ये शहर कासिम बाजार के जमींदारों का गढ़ था। कांता बाबू वॉरेन हेस्टिंग्स के करीबी थे, जो सूद पर पैसा देते थे। हेस्टिंग्स सन 1773 से सन 1785 तक बंगाल के गवर्नर थे। जमींदारों ने कासिम बाजार में एक शानदार महल बनवाया। 1950 के दशक में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद आर्थिक परिवर्तन प्रख्यात थे और लगभग 45 साल की लंबी अवधि तक शाही महल का रखरखाव नहीं हो सका। सन 1811 तक ये गढ़ रेशम, होजरी और हाथी के दांत के सुंदर सामान के लिए मशहूर हो गया, लेकिन शायद मलेरिया की महामारी के वजह से धीरे धीरे हालत खराब होने लगी। सन 1813 में जब हुगली नदी ने अपना रास्ता बदला तो शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया और सारा व्यापार कलकत्ता चला गया। उस समय कासिम बाजार की जमींदारी जो नंदी परिवार के पास थी, उनके महल आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं, पर बाकी सब मिट्टी के ढेर में बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की पहली पत्नी को कासिम बाजार में ही दफनाया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत तक उनका मकबरा मौजूद था। आज कासिम बाजार की गौरवशाली इतिहास की बस कुछ ही झलकियां बची हुई हैं।